मैं यहाँ हॉस्पिटल में। हाँ बाबूजी, आप बेहोश हो गए थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको होश आ गया। रेशमा, मैं अभी यहाँ नहीं रहूंगा। मैं अभी और इसी वक्त शहर जाना चाहता हूँ। पहले आप ठीक तो हो जाइए। नहीं, नहीं, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहता। ये बस्ती मौत की बस्ती है, और अगर मैं यहाँ रहा तो वो लाशें मुझे तड़पा तड़पा कर मार डालेगी। बाबूजी, वो लाशें बेजान है, वो क्या किसी को नुकसान पहुंचाएंगी? आपको सिर्फ वहम हो गया है, आपको कुछ नहीं होगा। ये तुम इसलिए कह रही हो रेशमा क्योंकि तुमने अपनी आंखों से अंकल लुकास की उस खौफनाक लाश को नहीं देखा। वो मुझे जान से मार डालना चाहती थी। ये कैसी बातें करें बाबूजी? रेशमा, इस खौफ और दहशत का जिम्मेदार वो हरामजादा अबू है। कहाँ है वो? उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। भैया मारा गया, मैडम जेल में थी। अब वो बंगला वीरान और सुनसान हो चुका है। अब वहां कोई नहीं रहता। कोई क्यों नहीं रहता वहां? वो लाशें जो रहती है, मनुष्य कहीं की। उसका खास ख्याल रखिए, और जो दुआएं मैंने लिखी हैं वो बराबर वक्त पे देती रहिए। हेलो डॉक्टर। हेलो, मैं डॉक्टर आबू, पृथ्वी से मिलना चाहता हूँ। उसे होश आ गया? हाँ, उसे होश तो आ गया। क्या बीमारी है उसे? बीमारी तो कुछ भी नहीं, लगता है उसके दिमाग पर गहरा सदमा पहुंचा है। होश आने पर बार बार अंकल अंकल चिल्ला रहा है, न जाने क्यों अपने बंगले को याद करता है और कांप उठता है। क्या मैं समझ सकता हूँ? हाँ जरूर, वार्ड नंबर 13। तुम यहां क्यों आए हो? मैं यहां तुम्हारे ही फायदे की बात करने आया हूं। मैं इनसे अकेले में बात करना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं एक बात पूछता हूं, सच सच बताना। कल सुबह तुम बेहोश क्यों हो गए थे? ऐसी क्या चीज देख ली थी तुमने? कल सुबह जब मैं पहाड़ी से घर की तरफ आ रहा था तो मुझे लगा जैसे जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। जब मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, और फिर अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, और दोबारा जब मैं पलट कर देखा तो वहां अंकल खड़े थे। एक न एक दिन तो ये होना ही था। क्या मतलब? लुकास अपनी पत्नी की मौत का इंतकाम लेने आए थे। उस रोज भी उन्होंने ही तुम पर हमला किया था, क्योंकि वो तुम्हारा इरादा जान चुके थे। इरादा? कैसा इरादा? मैडम को कत्ल करने का इरादा। मुझसे सच सच कहो, उस रोज पहाड़ी से मैडम को तुम ही ने धकेला था ना? वो ये सब तुम्हारी गलती है डॉक्टर बाबू। उन लाशों को तुमने बेवजह संभाल के रखा हुआ है। अरे जला दो मरूस लाशों को, वरना वो एक दिन तुम्हें भी मार डालेगी। हाँ, तुम्हें भी मार डालेगी। वो मुकद्दस लाशें हैं, वो सिर्फ इंसाफ करती हैं। जो उन्हें या उनके रीति रिवाज को ठेस पहुंचाएगा वो उसे कभी नहीं छोड़ेंगी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं अगर मेरा कहा मानो तो। क्या करना होगा मुझे? तुम्हें एक बार अपने अंकल और आंटी से मुलाकात करनी होगी। तुम्हें एक बार फिर उस बंगले में आना होगा। नहीं नहीं, मैं वहां नहीं आऊंगा। मैं उस बंगले में कभी नहीं आऊंगा।
एक बार फिर सोच लो। मैंने कहा कि मैं वहां कभी नहीं आऊंगा, किसी केबल पर नहीं आऊंगा, किसी केबल पर नहीं आऊंगा। तुम्हें वहां आना होगा और तुम जरूर आओगे। जो आग तुमने लगाई है उस आग को तुम ही आकर बुझाओगे। मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगा, मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। खुशामदीद, तुम्हारा ही इंतजार था। आओ। Thank you.
मैं यहां कैसे आ गया? मुझे यहां तो नहीं आना था। कौन लाया मुझे यहां? तुम्हारी बदकिस्मती। अच्छा तो तू मुझे यहां लाया है। हरामजादे, तूने मेरा जीना हराम कर रखा है। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा तुझे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आज की रात कयामत की रात है। पीछे मुड़ के देखो। अंकल लुकास, आंटी, मेरे करीब कोई नहीं आएगा। तुम लोग वहीं रुक जाओ। मैं कहता हूं वहीं रुक जाओ। कोई मेरे नहीं, नहीं, दूर हो जाओ मुझसे, मेरे करीब कोई नहीं आएगा। मैं कहता हूँ मेरे करीब कोई नहीं आएगा, दूर हो जाओ मुझसे, मेरे करीब कोई नहीं आएगा। माता ना मेरे करीब, मैं कहता हूँ दूर हो जाओ मुझसे, नहीं, नहीं, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। मेरे करीब मत आना, वहीं रुक जाओ। मैं कहता हूँ मेरे करीब मत आना, मैं कहता हूँ वहीं रुक जाओ। मेरे करीब मत आना, वहीं रुक जाओ। नहीं, नहीं, वहीं रुक जाना। मेरे करीब कोई नहीं आएगा, कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा। नहीं, 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 कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा। मेरे भगवान, मेरे भगवान, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझे मेरे मेरे हाथ पैर क्यों नहीं हिल रहे? ये क्या कर दिया तुमने मुझे डॉक्टर आबू? अब तुम्हारे हाथ पैर हमेशा के लिए नम हो चुके हैं, बेजान हो चुके हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारे जिस्म पर वही जड़ी बूटियों वाला लेप लगा दिया है जो मैं तुम्हारे बुजुर्गों की लाशों पर लगाता आया हूं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते डॉक्टर आबू। अब सिर्फ तुम्हारा दिमाग काम करेगा, जिस्म नहीं। तुम्हें तुम्हें इन मुकद्दस लाशों से नफरत थी ना? नहीं, तुम इनसे दूर भागना चाहते थे। मगर देखो देखो, आज किस्मत ने तुम्हें इनके कितना करीब लाकर खड़ा कर दिया है। अब तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रहना होगा, इनका अपना बनकर। कुत्ते, कभी नहीं। हरामजादे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, यहां तुम्हें हर बात की आजादी है। तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, बोल सकते हो, महसूस कर सकते हो, डर सकते हो, और जरूरत पड़े तो चीख भी सकते हो। मगर इस ताबूत से बाहर नहीं आ सकते। एक आदमी भूखा प्यासा कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद तो तुम जानते ही हो कि क्या होना है। तुम अपनी मौत अपनी आंखों से देखोगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहां से जाने दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं डॉक्टर बाबू, तुम्हारे पैर पड़ता हूं। मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये दौलत। बस मेरी ये जान बख्श दो और मुझे यहां से जाने दो, प्लीज, प्लीज, प्लीज। पगले, डरते क्यों हो? यहां तुम अकेले थोड़ी हो, तुम्हारे अंकल और आंटी भी साथ हैं।
वो देखो। इनकी दौलत पे तुम्हारा हक है तो इनका साथ निभाना भी तुम्हारा फर्ज है। याद है ना मैंने क्या कहा था, जैसी सेवा करोगे मेवा भी वैसा ही पाओगे। जिंदगी का आखिरी सफर मुबारक हो, अलविदा मेरे दोस्त, अलविदा। नहीं नहीं डॉक्टर आबू, तुम इस तरह मुझे जिंदा इस मकबरे में नहीं दफना सकते। डॉक्टर आबू मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मैं यहाँ घुट घुट के मर जाऊंगा। नहीं डॉक्टर आबू मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। डॉक्टर आबू मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। डॉक्टर आबू, अरे कोई है, मैं मेरी आवाज को नहीं सुनता, मैं यहाँ घुट घुट के मर जाऊंगा। मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता, मुझे ऐसी मौत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ऐसी मौत। अरे मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। डॉक्टर आबो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। डॉक्टर आबो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। डॉक्टर आबू